बना रहे हैं बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट बन रहा जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने बिस्किट और बटर को मिक्स किया, चॉपर में डाला और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया। उसके बाद मैंने ग्लासेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, इसके बाद यहाँ पर जाएगा कोकोनट मिल्क, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा क्रीम चीज़, ठीक है। बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें आपने कटे हुए डाल देने हैं बनाना, ठीक है। बस उसी टाइम पे आपने कटिंग करना है जिस टाइम पे आपने इसको मिक्स करना हो, वरना ये एक मिनट नहीं लगता, ये काले पड़ जाते हैं। बस ये अब हमने इसको इस तरह से रख लिया, ठीक है। अगर इसको आप बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ना तो और भी बड़ी फ्लफी फ्लफी सी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जाएगा ग्लासेस के अंदर। ऊपर से थोड़ी सी मैंने जेली डाल दी है, मैंने कहा थोड़ी सी जेली, और यहाँ पर जाएंगे चंद कतरे वेनिला एसेंस के, चंद कतरे वेनिला एसेंस के, सही है। अब इसको मिक्स कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपने इसके अंदर डालना है, खूब ठंडा कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको फ्रीज़र में ठंडा करके, और बड़ा अच्छा सेट भी हो जाता है। थोड़े से मैंने रख दिए थे यहाँ पर बिस्किट का चूरा, जो मैंने कहा था ऊपर से डालेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें जेली वैसे ही रख दी है, हालांकि मेरी रेसिपी में नहीं थी, लेकिन मैंने जेली जो है इसके ऊपर थोड़ी सी वैसे ही रख दी है। ये हो गया। अब इसके ऊपर ग्रीन जेली, ठीक है, जेली के साथ यहाँ पर आपने डाल देना है। एक इस तरफ कर लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए ना। ये बिस्किट्स जो अभी मैंने आपके सामने बटर के साथ वहाँ पर चॉपर में डाल के क्रश किए हैं, अब ये चली है मेरे पास।